उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत की सामूहिकता को देश की ताकत करार देते हुए आज कहा कि लोगों के जाति और मजहब के आधार पर बंटने से देश कमजोर होगा। मुख्यमंत्री ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी इलाके में हुए ट्रेन एक्शन की 96 वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में कहा, भारत की ताकत उसकी सामूहिकता है। जब 135 करोड़ की आबादी एक साथ बोलती है तब भारत सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की मां के रूप में भी दुनिया को प्रतिनिधित्व देते और उसका मार्गदर्शन करते हुए नजर आता है। उन्होंने कहा, जब हम जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर बटे होंगे तो ये विभाजन हमारी ताकत का विभाजन करेगा, भारत को कमज़ोर करेगा, विकास को बाधित करेगा, अव्यवस्था और अराजकता सहित तमाम ऐसी विकृतियों को जन्म देगा जो एक बार फिर देश की स्वाधीनता के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। इसलिए हमारा सबसे बड़ा संकल्प यह होना चाहिए कि हम भारत को किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं होने देंगे। योगी ने कहा, हम सबका सौभाग्य है कि 15 अगस्त 2022 को जब आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होंगे तब पूरा देश इस अमृत महोत्सव का साक्षी बनेगा। प्रधानमंत्री ने देश के सामने एक लक्ष्य रखा है कि हम अभी से अगले 25 वर्ष की व्यापक कार्य योजना बनाकर देश के सामने रखें कि जब ये देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा उस समय हमें कैसा भारत चाहिए। उन्होंने कहा, पूरे भारत की एकता का संकल्प लेकर विकृतियों को दूर करते हुए हम एक साथ मिलकर काम करेंगे और इसलिए प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ जुड़कर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तय किया है कि इस राज्य को हम अगले 5 वर्षों के अंदर देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री ने काकोरी की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में देश की आज़ादी के लिए मर मिटने वाले क्रांतिकारियों ने ट्रेन से खजाने के रूप में जाए जा रहे 4,679 रुपये रेलगाड़ी रोककर ले लिए थे। उन्होंने कहा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, उन्हें गोरखपुर जेल में रखा गया। अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को भी गोंडा, फैजाबाद और नैनी जेल में अलग अलग स्थानों पर रखा गया। योगी ने कहा, चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए प्रयागराज में शहीद हुए लेकिन क्रांति की ये लौ कभी बुझी नहीं।